हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फूडी ग्रो में। तो आज मैं बनाऊंगी बिना बर्गर बन, बिना फ्राई किए और बिना टिक्की का ये आलू मसाला बर्गर। आपने कभी ट्राई करा है ये? अगर नहीं करा है तो जल्दी से जल्दी आप भी बनाएं इसको। बहुत ही हेल्दी है और बहुत स्वादिष्ट भी है। तो इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले आलू को बॉयल करा है और इसको अच्छे से मैश कर दिया है। फिर मैंने इसमें कटी हुई धनिया डाला है, धनिया का पत्ता डाला है, और फिर मैंने इसमें चार पांच कटी हुई बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाला है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है चाट मसाला दो चुटकी जैसा, और फिर मैंने इसमें डाला है काला नमक। उसके बाद इसमें जाएगा रेड चिल्ली पाउडर, और उसके बाद से जो है धनिया पाउडर, उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और कुटी हुई अदरक भी डालेंगे थोड़ा सा, और फिर स्वाद के अनुसार आप नमक डालना इसमें। और ये सारी चीजें डालने के बाद थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से मैश करके, और तब इसको अच्छे से हम मिलाएंगे हाथों से और इसका एक अच्छा सा आलू मसाला तैयार करेंगे। उसके बाद जो है एक कटोरी से मैंने लिया है बेसन भर के, और इसमें भी अदरक कुटी हुई डाले हैं और दो तीन हरी मिर्च डाले हैं काट के, और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने हल्दी भी डाल दिया है आधा चम्मच जैसा, और थोड़ा सा चीनी डाल दिया है। उसके बाद नींबू जूस डाला है मैंने, एक नींबू का जूस, और इन सारे चीजों को अच्छे से मिला लिया है, आप देख सकते हैं इसको। और फिर मैं आवश्यकता के अनुसार पानी डाल के और इसका अच्छा सा बेटर बनाई हूँ। उसके बाद जो है मैंने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर और इसको भी अच्छे से मिला लिया है। फिर हम लेंगे एक ब्रेड और इसका किनारा का जो है काट दिया है मैंने। फिर एक कटोरी लिया है और उस कटोरी से जो है मैंने इसका राउंड शेप दिया है, जो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और उसके बाद से इस ब्रेड स्लाइड्स पे मैंने हरी चटनी लगाई है और फिर इसको चारों तरफ फैला दिया है अच्छे से। उसके बाद से मैंने एक चम्मच टमाटो केचप डाला है और इसको अच्छे से चारों तरफ मिला दिया है। फिर मैंने दो कटोरी भी लिए हैं, अब इसके अंदर जो है मैं वॉयल लगाई हूँ अच्छे से, और उसके बाद ये जो स्लाइड से थे उनको मैं इस कटोरी में रख रही हूँ। और उसके बाद जो आलू मसाला था उसका अच्छे से शेप देंगे गोल, आप देखो कुछ इस तरीके से एकदम चिकना, और थोड़ा दबा देंगे इसको, और ये जो है स्लाइड से ब्रेड का उसके ऊपर हम इसको सेंटर में रख देंगे। उसके ऊपर जो है हम उसके ऊपर हम रखेंगे एक प्याज स्लाइस, फिर इसके ऊपर रखेंगे टमाटो स्लाइस, उसके बाद से मैंने बड़ा सा पनीर का स्लाइस रखा है इसके ऊपर, और जो है ये बेसन, और उसके बाद जो बेसन का मैंने बना के रखा था बेटर, इसको मैं कटोरी में भर दूंगी इसके ऊपर से, आप देख सकते हैं। पूरा फुल नहीं करना है, थोड़ा सा खाली भी रखना है, क्योंकि ये बर्गर जो है फूलेगा और फुल पर हो जाएगा उसके लिए। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई रखा है, उसमें पानी डाल के एक स्टीम रख दिया है अंदर, और उसके ऊपर मैंने एक प्लेट रख दिया है। आप चाहे तो स्टीमर कोई भी हो उसमें भी बना सकते हैं इसको। उसके बाद जो है मैंने रख दिया स्टीम करने के लिए ये जो बना के रखा था कटोरी में सारे चीज बर्गर का, मैंने उसमें रख दिया है 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बाद जब हटाया तो बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही स्वादिष्ट ये हमारा बर्गर बन के तैयार था। और इसको मैंने कट करा है, आप देख सकते हो बीचों बीच कितना अच्छा है ना, बहुत ही हेल्दी भी था, स्वाद तो इसका बहुत अच्छा था। आप जरूर ट्राई करें, और ऐसे ही स्वादिष्ट और लाजवाब रेसिपी के लिए आप मेरा चैनल फूडी ग्रो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।